उत्तर प्रदेश के जिला बरेली बार एसोसिएशन ने पारिवारिक न्यायालय को शिफ्ट किए जाने का किया विरोध। बताते चलें कि बरेली बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष अरविंद कुमार, एडवोकेट सचिव वीरेंद्र प्रसाद ध्यानी एडवोकेट के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। पारिवारिक न्यायालय को वर्तमान न्यायालय परिसर से बीरभट्टी सुभाष नगर स्थानांतरित किए जाने के कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि बातकारों को इससे बहुत परेशानी होगी और वकीलों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पहली बार एसोसिएशन ने अपने 5 सूत्री ज्ञापन में जिलाधिकारी को परेशानियों से अवगत कराया। कहा कि 1 सितंबर 2022 को प्रधान न्यायाधीश जिलाधिकारी द्वारा स्थानांतरित स्थान का निरीक्षण किया जाना बिना बरेली बार एसोसिएशन के संज्ञान में डाले बिना न्योचित नहीं है। उनका बरेली न्यायालय लगभग 5,000 अधिवक्ता वकालत करते हैं। इनके पास इतना समय नहीं है कि वह स्थानीय जगह पर जाकर न्याय का कार्य करें। क्रिमिनल कोर्ट में चल रहे वादों को देखने व पारिवारिक न्यायालय के वादों को देखने में स्थान परिवर्तन काफ़ी भिन्नता आएगी और समय का अभाव होगा, बर्बादी भी होगी। उन्होंने कहा कि पारिवारिक न्यायालय को बिना सर्वसहमति से स्नान किए जाना न्याय उचित नहीं है। जोर ताकत के साथ अपने पूरे बार एसोसिएशन का साथ देना है। जैसा हमारी बार तय करेगी ये आंदोलन लंबा चलेगा तो चलेगा, ये आंदोलन लंबा चलेगा तो चलेगा, डर नहीं है। लेकिन फैमिली कोर्ट वही आएगी अस्मिता पर। देखिए पारिवारिक न्यायालय हमारे यहाँ है, जो पारिवारिक केसेस करता है उस न्यायालय को बरेली परिसर से अन्य जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होने पर अधिवक्ताओं में रोष है और अधिवक्ता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसके मांग आपने ज्ञापन दिया, किसको संबोधित? हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को, अभी हम आप ज्ञापन देंगे जिला जज महोदय को, हम ज्ञापन देंगे अपने प्रधान न्यायाधीश महोदय को। प्लीज यहाँ पहले वो बनाइए, बाद में चले। एक मिनट प्लीज।